बसमाना अब्रहीम असल वरम्ह वर्क वेलकम टू माय किचन मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से स्टफ चिकन ग्रेब्स की रेसिपी लेके आई हूं ये बहुत ही यमी हैं जबकि इनको बनाना बहुत ही आसान है तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे दो कप मैदा साथ ही इसमें ऐड करेंगे ढाई कप पानी हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक और इसको मिक्स करके एक स्मूथ सा मिक्सचर बना के तैयार कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है हमें इस तरह से एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेना है तो यहाँ पे क्रेप का बैटर बिल्कुल तैयार है अब हम क्रेप्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक फ्लैट पैन को हल्की आंच पे गर्म कर लेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से पूरे पैन पे ऑयल लगा देंगे फिर इस तरह से एक चम्मच में हम बैटर लेंगे और स्मैट करेंगे और अच्छे से इसको, इसको स्प्रेड कर लेंगे इस तरह पैन जो है वो शुरू में ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तो इससे क्या होगा कि बैटर स्प्रेड होने में आसानी होगी तो इस तरह से हमें इसको हल्की आँच पर पकाना है और जब ये एक तरफ से पक जाएगा तो बहुत ही आसानी से हम इसको फ्लिप कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे दोनों तरफ से हमें इसको अच्छी तरह से पका लेना है और ये अच्छे से तैयार हो जाएगा और ये तैयार हो गया इसी तरीके से हम तमाम बना लेंगे अब यहाँ पे है मेरे पास 250 फिफ्टी ग्राम्स बोनलेस चिकन जिसको मैंने स्मॉल चंक्स में कट कर लिया है सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर वन टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च वन फोर्टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन टेबल स्पून चिली सॉस टू टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस बारबेक्यू सॉस ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें बारबेक्यू फ्लेवर के लिए वरना आप स्किप कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चिकन अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम इसको कुक कर लेंगे तो उसके लिए हम एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे इसमें चिकन ऐड करेंगे इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे वन फोर्थ कप पानी और इसको कवर करके हल्के आंच पे हम चिकन को पका लेंगे तो चिकन को मैंने हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाया है ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है अब हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा हल्का सा भून लेंगे और यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस सी बारबेक्यू चिकन जो है वो तैयार हो गई है अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस तो उसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे वन टेबल स्पून बटर जब मक्खन पिघल जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे वन टी स्पून भर के मैदा और मैदे को मक्खन में अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप दूध लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने थोड़ा सा ऐड करके पहले अच्छे से मिक्स करें फिर बाकी का दूध ऐड करें इस तरह लम्स नहीं बनेंगे तो मैंने इसमें पूरा एक कप दूध ऐड कर लिया है उसको अच्छे से पका लिया है अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक वन फोर्टी स्पून काली मिर्च पाउडर वन फोर्टी स्पून चीनी वन फोर्टी स्पून नटमिक ऐड करेंगे यानी कि जायफल हल्की सी इस तरह से क्रश करके इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पाउडर की तरह बना लेना है और हल्का सा इसमें ऐड करना है फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीज तो यहाँ पे मैं चीज़ के दो से तीन स्लाइस ऐड करूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाय चीज है ये इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस व्हाइट सॉस जो है वो तैयार हो गया है अब हम एक प्याले में इस तरह से क्रेप रखेंगे इसमें ऐड करेंगे व्हाइट सॉस चीजी वाइट सॉस फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारबेक्यू चिकन और इस तरह से इसको बंद कर लेंगे अच्छे से देखिए इसको इस तरह से बंद कर लेना है और इस तरह से ये शेप में आ जाएगा इसी तरीके से हम तमाम जो है वो बना लेंगे और इसको एक बेकिंग ट्रे पे रखेंगे इसके ऊपर हम ऐड करेंगे व्हाइट सॉस हल्का सा बाइबी सॉस थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे इस पर करेंगे मोचोला चीज और जैडो चीज और हम इसको बेक कर लेंगे पंद्रह से बीस मिनट के लिए वन एट्टी पे तो ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही डिलिशियस है ये जो रैप है वो रेडी हो गया है इसको हम सर्व करेंगे फेवरेट सॉस के साथ तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस है स्टफ़्ड क्रेप्स बहुत ही डिलिशियस बनकर रेडी होते हैं आपको रेसिपी ज़रूर से ट्राई करनी है बहुत ही यमी बनते हैं अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़